पीथमपुर के सेक्टर नंबर 3 में स्थित स्पेशल इकोनॉमिक जोन की फैक्ट्रियों द्वारा लगातार दूषित केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। वहीं ग्राम सागौर में स्थित अंग्रेड नदी में दूषित केमिकल युक्त पानी मिलने से नदी का पानी दूषित हो चला है। आसपास के ग्रामीण परेशान है। मवेशी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। कुएं, तालाब, ट्यूबवेल आदि का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। दूषित पानी पीने से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो रही है। ग्रामीण गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। प्रदूषण विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रदूषण विभाग के अफसरों को शिकायत कर चुके हैं। नियम कहता है कि पानी को ट्रीटमेंट करके छोड़ा जाना चाहिए, जबकि ऐसा उद्योगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार दूषित केमिकल युक्त पानी उद्योगों से निकल रहा है और छोड़ा जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगढ़ की रिपोर्ट। ढोलबेल ये गंदा पानी निकलता है, हमारी सागौर नदी में मिलता है, बहुत तकलीफ है हमको। ढोल भी मारते इस पानी से। आपका नाम? जाहिद खान। कहाँ रहते हो? सागौर। ये जो पानी निकलता है, इससे क्या समस्या आ रही है? इससे बहुत बदबू मारता है साहब, ये बहुत गंदा है, बहुत बीमार होते हैं लोग। ये कहीं नदी में जाके मिलता है पानी? नहीं, नहीं। मिलता है ना। हाँ। आपका नाम? जब्बार। जब्बार कहाँ रहते हो? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।